मोहम्मद गौरी वो जवाब मुस्लिम बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत कायम की और हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। तराइन की पहली जंग में तो वो पृथ्वीराज चौहान से हार गए क्योंकि उनके पास फौज कम थी, लेकिन एक बार फिर 1192 में वो जंग के मैदान में उतरे। और इस दूसरी तराइन की जंग में राजपूतों की तादाद 300,000 थी और मोहम्मद गौरी के पास इसकी आधी भी फौज नहीं थी। मोहम्मद गौरी के पास पृथ्वीराज चौहान के मुकाबले महज 120,000 सिपाही थे, लेकिन मोहम्मद गौरी का हौसला और हिम्मत पृथ्वीराज चौहान से कई ज्यादा थी। इस वजह से कम सिपाही होने के बावजूद मोहम्मद गौरी ने जंग को फतह किया। और ये बात बिल्कुल झूठी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तीर से मारा था। जहाँ पृथ्वीराज चौहान सन 1192 में ही मर गए थे, तो वहीं मोहम्मद गौरी की वफा सन 1206 में हुई थी। और अगर किसी को मेरी इस वीडियो से दिक्कत है तो मेरी वीडियो पर कमेंट करने के बजाय अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो विकिपीडिया से इस चीज को हटा कर दिखा दो।